कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अली का अमरोहा में जबरदस्त विरोध, गाड़ी पर चढ़कर लोगों ने किया हंगामा। आखिर मामला क्या है आपको बताते हैं। दरअसल यूपी की अमरोहा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अली का जबरदस्त विरोध देखने को मिला। दानिश अली अमरोहा को मुस्लिम इलाके में चुनाव प्रचार के लिए आए थे, जहां लोगों ने उनका भारी विरोध किया। इस दौरान कई लोग उनकी गाड़ी पर चढ़ गए और उनके पास जाने की नारेबाजी करने लगे। ये घटना अमरोहा के नौगावा तहसील के कस्बे की बताई जा रही है, जहां शुक्रवार की दोपहर गठबंधन प्रत्याशी दानिश अली अपनी टीम के साथ चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। इस दौरान वहाँ हंगामे की स्थिति बन गई। कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अली के विरोध का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिसमें भारी संख्या में लोग उनकी गाड़ी के आगे नारेबाजी करते दिख रहे हैं। इस बीच कुछ लोग उनकी गाड़ी पर भी चढ़ जाते हैं। लोगों में उन्हें लेकर खासा असंतोष देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले 5 सालों में दानिश अली कभी इस इलाके में नहीं आए और न ही यहाँ के विकास कार्यों पर ध्यान दिया। बड़ी बात यह है कि इलाका मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। विरोध करने वालों में भी ज्यादातर लोग मुस्लिम समाज के थे। ऐसे में गठबंधन के लिए ये अच्छा संकेत नहीं है। 2019 में दानिश अली अमरोहा सीट से बसपा के टिकट पर चुनाव जीते थे। पिछले दिनों दानिश अली उस वक्त सुर्खियों में आ गए थे, जब बीजेपी रमेश बिधूड़ी ने संसद में उन्हें लेकर आपत्तिजनक बयानबाजी की थी। इस मामले पर काफी सियासत भी देखने को मिली, जिसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उनके घर जाकर मुलाकात की थी। बाद में बहुजन समाज पार्टी ने दानिश अली को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। पिछले दिनों वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे और कांग्रेस ने उन्हें अमरोहा सीट से फिर उम्मीदवार बनाया है।